यूपी के शाहजहांपुर में समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़ा गोलमाल कर दिया। यहां अधिकारियों ने कई शादीशुदा महिलाओं की दोबारा शादी करवा दी। अधिकारियों ने अनुदान में मिलने वाली रकम का बारा न्यारा कर दिया। मामले का खुलासा होने के बाद जिलाधिकारी ने जांच के बाद कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। शाहजहांपुर में 10 दिसंबर को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम में 175 जोड़ों की शादी जिला प्रशासन ने करवाई थी, जिसमें पूरे जनपद से गरीब कन्याओं को चिन्हित करके उनका विवाह किया गया था। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे, लेकिन घोटालेबाज अफसरों और कर्मचारियों ने गरीब कन्याओं की शादी में भी खेल कर दिया। यह अधिकारियों ने कई शादीशुदा जोड़ों की शादी करवा दी और अनुदान में मिले पैसों का बंदरबांट कर लिया। कई ऐसे जोड़े भी पकड़ में आए हैं जिनके बच्चे भी हैं। फिलहाल मामला पकड़ में आने के बाद अब जांच की मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जो गरीब कन्याओं के लिए शादी के लिए पैसा भेजा गया था, जिला शाहजहांपुर के जिला प्रशासन द्वारा जो पुरानी शादी हुई थी उन शादियों को दिखाकर उस पैसे का बंदरबांट कर लिया गया। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, इसकी जांच करवाई जाए। अगर जिला शाहजहांपुर की जांच नहीं हुई तो भारतीय किसान यूनियन धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होगी। सामूहिक विवाह योजना में हुए भारी गोलमाल के इस मामले में जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को इसकी जांच दी है। डीएम का कहना है कि मामले की जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें हम लोग सीडीओ को निर्देशन हमने किया कि पर्सनली इसकी जांच करें, क्योंकि ये तीन स्तर पे चेकिंग करने के बाद ही लाभार्थियों का चयन होता है। तो इसमें अगर ऐसे किसी अपात्र व्यक्ति को चयनित किया गया होगा तो उसमें संबंधित अधिकारी जिसने इनको पात्र ठहराया उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी और पूरी धनराशि उनसे वसूली जाएगी। और साथ ही साथ ऐसे लोग जिन्होंने अपने को गलत इन्फॉर्मेशन दे करके इसमें आवेदन किया उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी।